झालरापाटन नगर पालिका में लगातार अधिशासी अधिकारी की अनुपस्थिति व शहर के मुख्य मार्गों को लेकर नकारात्मक रवैये से परेशान कांग्रेसी पार्षदों ने नगर पालिका में जोरदार हंगामा किया व अधिशासी अधिकारी के कमरे और संपूर्ण नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के गुमशुदगी के पर्चे चस्पा कर दिए। पार्षदों द्वारा बताया गया कि जब से अधिशासी अधिकारी नगर पालिका में आई है तब से ही शहर की आम जनता और पार्षद इनके कार्यात्मक तरीके से असंतुष्ट हैं। पार्षद नदीम मंसूरी ने बताया कि मेरे व साथी पार्षदों द्वारा शहर में हो रहे अतिक्रमणों का आम जनता को बेवजह लंबित पट्टे की पत्रावलियों व शहर की मुख्य समस्याओं के निस्तारण की लगातार मांग की जा रही है, परंतु अधिशासी अधिकारी इन सभी मामलों पर पार्षदों को और आम जनता को गुमराह करने के सिवाय कोई काम नहीं करती व लगातार नगर पालिका में अनुपस्थित रहती है। आमजन व पार्षदों का फोन तक नहीं उठाती जिससे कि आम जनता और पार्षद परेशान हैं। इनके नकारात्मक रवैये की सजा सारा शहर और शहरवासी भुगत रहे हैं। अधिशासी अधिकारी अपने कार्य के प्रति रुचि ले इस मांग को लेकर आज सभी कांग्रेसी पार्षदों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया है, जिसमें पार्षद नरेंद्र शर्मा, शकील अहमद, गीता कुमारी, सुमन, राजेश बैरवा, अशोक पुष्पद, नदीम मंसूरी व अनेक आमजन मौजूद रहे। ये जो आपने पोस्टर लगाया है नगर पालिका में, ये किस लिए लगाया है? ये पोस्टर जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, गुमशुदा अधिशासी अधिकारी की तलाश, संपर्क करवाने वाले को वाजिब इनाम दिया जाए, वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि अभी आपके सामने जो खड़े हैं ये सभी पार्षद गण हैं। कुछ हमारे साथी अभी जा चुके हैं जो सुबह आए थे, और ये अभी कहीं मामला नहीं है। पिछले 2-3 दिन से हम आ रहे हैं, लगातार मैडम से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु इस तरह का रवैया अपनाया हुआ है कि ना तो चैम्बर में बैठते हैं, ना ही फोन उठाते हैं, पार्षदों तक के फोन नहीं उठाते हैं, तो आमजन की तो क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। सभी अपने काम को लेकर के, छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को रोज परेशान होना पड़ रहा है, परंतु अधिकारी महोदय की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। फोन पर कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, सीट पर नहीं बैठते हैं, बहाने बनाते हैं कि मैं झालावाड़ हूँ, झालावाड़ पता करते हैं तो बोलते हैं पाटन हूँ, परंतु दोनों ही जगह नजारत होते हैं।